कभी कभी डिलीवरी के बाद बच्चा मरा हुआ क्यों पैदा होता है? आत्मा कितने दिनों के बीच गर्भ में प्रवेश करती है? क्या आत्मा ये स्वयं तय करती है कि उसे किस गर्भ में पैदा होना है? ये ऐसे कुछ सवाल हैं जिसके बारे में शायद आपने भी कई बार सोचा होगा। इस वीडियो में हम आपको इन्हीं कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि सामान्य आत्माओं से लेकर गौतम बुद्ध जैसी महान आत्माएं शरीर में कब और कितने दिनों के बीच प्रवेश करती हैं। इस वीडियो को ध्यान से समझने के लिए इसे अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप सबका विटी सेज में स्वागत है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि प्रत्येक व्यक्ति, पशु, पक्षी, जीव जंतु आदि सभी आत्माएं हैं। वेद पुराण और गीता के अनुसार आत्मा अजर अमर है और वह 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद मनुष्य जन्म प्राप्त करती हैं। खैर, ये बातें न तो हमारे सवाल का जवाब है और न ही हमारा असली मुद्दा। सवाल तो यह है कि जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो वो कब और कितने दिनों के बीच गर्भ में प्रवेश करती है। आत्मा इस शरीर के साथ बस ऐसे ही नहीं जुड़ती, वो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस से होकर गुजरती है। जब भी कोई औरत या मां गर्भ धारण करती है तो उसमें छोटे छोटे सेल एक दूसरे से जुड़ते हैं जिससे मांस का एक गोला बनता है। इस मांस के गोले को जीवन बनने के लिए अर्थात गर्भ धारण करने के लिए लगभग 40 से 48 दिनों का समय लगता है। कुछ ऐसी भी आत्माएं होती हैं जो बाद में प्रवेश करती हैं, जिसे एक औरत या मां कुछ योगिक प्रणाली द्वारा सिखाए गए अभ्यास से महसूस कर सकती हैं। अगर कोई स्त्री देखती है कि उसके गर्भ में आत्मा ने 48 दिनों के बाद प्रवेश किया है तो ऐसे समय में वो सच में किसी एक खास प्राणी को जन्म देने वाली होती है, क्योंकि आत्मा को अंदर सेटल होने में कुछ समय लगता है। आपने ऐसी कहानियां जरूर सुनी होंगी कि कोई जीसस क्राइस्ट की मां को देखकर कहता है कि आप एक असाधारण व्यक्ति को जन्म देने वाली हैं, या कोई साधु गौतम बुद्ध की मां को देखकर कहता है कि आप एक दिव्य पुत्र को जन्म देने वाली हैं। इसका कारण ये है कि जब ऐसा देखने को मिलता है कि गर्भ धारण करने के 48 दिन बाद भी आत्मा ने शरीर में प्रवेश नहीं किया है, बल्कि इसके कुछ दिन बाद प्रवेश किया है, इसका मतलब ये है कि वो स्त्री एक असाधारण जीव को जन्म देने वाली है। गर्भ एक फैक्ट्री के समान होती है जहाँ पे इस शरीर का निर्माण होता है। अगर किसी कारण शरीर वैसा नहीं बन पाता जैसी वो आत्मा एक्सपेक्ट कर रही हो, तो वो आत्मा डिलीवरी से पहले ही उस शरीर को छोड़ने का फैसला कर लेती है, जिसके बाद वो शिशु मरा हुआ पैदा होता है। इस प्रोसेस में उस आत्मा का उस शरीर के साथ जुड़ाव 84 से 90 दिनों के बीच में हो जाता है, जिसके बाद आत्मा उस शरीर के साथ पूरी तरह से जुड़ जाती है। तब तक ये उसे ध्यान से परख रही होती है। वो ये देखती है कि वो शरीर उसके लिए अनुकूल है या नहीं। ये प्रोसेस जागरूकता के साथ यानी कॉन्शियसली नहीं होती, ये सब अचेतना में होता है। आत्मा अपनी प्रवृत्ति के आधार पर ये देखती है कि गर्भ उसके प्रवृत्ति से मेल खाती है या नहीं। इस चीज को पारंपरिक तौर पर वासना कहते हैं। वो आत्मा यानी हम एक ऐसा शरीर ढूंढते हैं जो हमारी वासनाओं से मेल खाए। हालांकि आत्मा उस गर्भ से आधी जुड़ चुकी होती है, परंतु 90 दिनों से पहले वो उस गर्भ को छोड़कर जा सकती है, परंतु 90 दिनों के बाद वो आत्मा उस शरीर से पूरी तरह से जुड़ जाती है, जिसके बाद वो सचमुच एक शरीर या एक बच्चा बनकर इस दुनिया में प्रवेश करती है। तो दोस्तों, ये थी आत्मा
और उसके शरीर से जुड़ने का दिलचस्प रहस्य। कैसी लगी आपको वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे ही रोचक सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे चैनल विटी सेज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।